देखिए यहाँ पे मैं चार कंपाउंड लिया हूँ। इस चार कंपाउंड का आज हम लोग कॉमन नेम और आई पी सी नेम जानेंगे। तो पहला कंपाउंड यहाँ पे क्या है, CH3OH। इसका कॉमन नेम और आई पी सी नेम जानने के लिए आपको ध्यान से कंपाउंड को देखना है। देखिए यहाँ पे एक CH3 है और एक OH है। किसी कंपाउंड में OH है तो उसका कॉमन नाम के लिए अल्कोहल शब्द जुड़ेगा, और CH3 रहेगा तो मिथाइल। तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसी का मैं IPC नेम में आते हैं। IPC नेम क्या होगा, देखिए किसी कंपाउंड में OH ग्रुप है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन की संख्या एक है, तो कार्बन की संख्या एक के लिए वाट रूट में क्या आएगा, मिथ शब्द आएगा, मिथ। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। OH ग्रुप रहेगा तो ऑल जुड़ेगा, एक नंबर कार्बन में OH है तो वन ऑल भी कोई लिखे चलेगा, लेकिन ऑल जैसे ही जुड़ेगा ये E ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या लिखो गया, वन ऑल। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल, और इसी का IPC नेम मिथानॉल। अब बात आता है कॉमन नेम IPC नेम आया क्यों, क्योंकि इसी कंपाउंड को इंडिया में कोई मिथाइल अल्कोहल के रूप में जानेगा तो इसी कंपाउंड को विदेश में मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे तो बहुत लोग नहीं भी जान सकते हैं, उसके लिए मिथानॉल बोलेगा तो सभी लोग जानेगा, इसीलिए IPC नेम आया, ठीक। अब सेकेंड कंपाउंड का हम लोग कॉमन नेम जानेंगे। तो कॉमन नेम के लिए देखिए दो पार्ट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए वाली और ए वाली। OH है तो अल्कोहल शब्द जुड़ेगा, और ये देखिए इथाइल ग्रुप लगे हैं, क्योंकि दो कार्बन है तो इथाइल होते, तो क्या होगा तब, इथाइल अल्कोहल, इसका क्या है, कॉमन नेम हो गया। अब IPC नेम में आते हैं, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए आपको स्ट्रेट चेन में नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग आप 1-2 इधर से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH लगे हैं, इसी को लोएस्ट नंबर देना है, 1-2 हो गया। दो कार्बन के लिए इथ शब्द आएगा, अब सिंगल बॉन्ड है तो ANE, क्लियर। एक नंबर कार्बन में OH है तो वन ऑल, लेकिन ऑल जोड़ने से पहले ये ई ड्रॉप हो जाएगा, तो इथेन वन ऑल को ही बोले चलेगा, या फिर इथेन नल तब भी चलेगा। अब इस पे आते हैं, इसमें यहाँ से लेके ये वाला एक ग्रुप लगे हैं और OH रहेगा तो अल्कोहल अभी होगा बताया हमें, और ये आइसो ग्रुप है तो क्या होगा, आइसो तीन कार्बन के लिए प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। आप इसके IPC नेम में आते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन की स्ट्रेट चेन ढूंढना है, 1-2 या फिर 1-2 ऐसे आ रहा है, 1-2-3 एक, देखिए सॉरी, इसके बाद इसका IPC नेम में आते हैं। IPC नेम के लिए एक स्ट्रेट चेन ढूंढना है, 1-2-3 मिल गया, तो यहाँ पे फिर नंबरिंग करना है, तो 1-2-3 हो गया। तो देखिए टोटल कार्बन 3 है तो प्रोब शब्द आएगा, प्रोब आया। दो नंबर कार्बन में OH ग्रुप लगे हैं तो प्रोब के बाद सिंगल बॉन्ड है तो ANE। दो नंबर कार्बन में OH है तो 2-ऑल, लेकिन उससे पहले ये ड्रॉप हो जाएगा, तो प्रोपेन 2-ऑल इसका IPC नेम। अब लास्ट कंपाउंड में आते हैं, लास्ट कंपाउंड का कॉमन नेम जानते हैं पहले, उसके बाद IPC नेम। OH है अल्कोहल होगा, और ए वाला ग्रुप का नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल। 1-2-3 मिथाइल ग्रुप है तो टार्ट, और चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया कॉमन नेम। अब इसकी IPC नेम के लिए वही स्ट्रेट चेन ढूंढना है, देखिए 1-2-3 1-2-3 1-2-3 तो मैं फिलहाल ए सीधा बना लेता हूँ, अब नंबरिंग करता हूँ, 1-2-3 हो गया। अब इसका IPC नेम लिखने के लिए तरीका क्या है, दो नंबर कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगे हैं और फंक्शनल ग्रुप लगे, तो पहले मिथाइल ग्रुप को लिखना है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो 2
मिथाइल, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन ई, दो में ओएच है तो टू ऑल जैसे ही जुड़ेगा ये ई को ड्रॉप कर दीजिए, तो इसका आईपीसी नेम क्या हुआ, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो ये चार कंपाउंड के कॉमन नेम और आईपीसी नेम आपको क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइए और किस किस कंपाउंड की आप लोग को कॉमन नेम और आईपीसी नेम जानना है, मैं इसके बाद वाले वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा।